8th क्वेश्चन है, इफ ए कैप एंड बी कैप आर यूनिट वेक्टर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, देन प्रूव दैट cos थीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप, और tan थीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप अपॉन ए कैप प्लस बी कैप। कैप कहने का मतलब यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। b भी यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ b कैप ये हो जाएगा 1। इतना क्लियर? नाउ हमें ये रिलेशन प्रूफ करना है। तो यहाँ से अगर हम ए कैप प्लस बी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालें तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप का स्क्वायर प्लस 2 ए कैप डॉट बी कैप। इतना क्लियर? यहाँ कॉस में रिलेशन चाहिए तो देखिए कॉस थीटा इसको हम लिख सकते हैं ए कैप डॉट बी कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप। तो ये पार्ट को रिप्लेस किया जा सकता है यहाँ से। तो यहाँ से ये बन गया ए कैप प्लस बी कैप का स्क्वायर इक्वल्स टू ए कैप का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप का स्क्वायर प्लस 2, और इतने के प्लेस पे ये पार्ट इधर ले आइए तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप और कॉस थीटा। इतना क्लियर? और ये चीज दिया हुआ है 1। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप का स्क्वायर ये आ गया 1 प्लस 1 2, और यहां से 2 इंटू 1 इंटू 1 2 कॉस थीटा। इतना क्लियर? अब दोनों से अगर हम 2 बाहर निकाल ले तो यहां से हम लिख सकते हैं 2 बाहर निकालिए तो 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो इतने के प्लेस पे आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 2 इंटू 2 यहां पे 4 हम लिख सकते हैं। इतना क्लियर? और इस 4 को यहाँ नीचे लेके आ सकते हैं तो यहाँ से cos थीटा अपॉन 2 स्क्वायर इस साइड शिफ्ट कीजिए तो रूट आ जाएगा, तो रूट ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप का स्क्वायर अपॉन 4। ये आ गया स्क्वायर और रूट कैंसिल, ये आ गया ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड अपॉन 2, और यही हमें प्रूफ करना था। नाउ tan थीटा अपॉन 2 हमें ये लेके आना है, cos थीटा अपॉन 2 आ गया, sin थीटा अपॉन 2 और निकाल लीजिए, tan थीटा अपॉन 2 आ जाएगा। तो देखिए sin थीटा अपॉन 2 निकालने के लिए यहाँ पे यूज कीजिए माइनस, यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा माइनस, और यहाँ आ जाएगा माइनस, और ये जो है 1 माइनस cos थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 के प्लेस पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो यहाँ से साइन थीटा अपॉन 2 ये आ जाएगा रूट ओवर, और यहाँ माइनस आएगा हर जगह क्योंकि हम यूज कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस आ गया। तो ये बन गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर अपॉन 4। अगेन रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो यहां से आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप अपॉन 2। इतना क्लियर? सो tan थीटा अपॉन 2 इसको लिखा जा सकता है sin थीटा अपॉन 2 अपॉन cos थीटा अपॉन 2, तो ये आ जाएगा sin थीटा अपॉन 2 के प्लेस पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप अपॉन 2 अपॉन cos थीटा अपॉन 2, तो इसके प्लेस पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप अपॉन 2। ये टू कैंसिल, तो ये आ गया, और यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर? 9th क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज रूट 3। दो यूनिट वेक्टर है, अगर हम मान ले ए कैप, तो यूनिट वेक्टर मींस इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और दूसरा यूनिट वेक्टर कंसीडर करे बी कैप तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। अब इन दोनों यूनिट वेक्टर का सम मीन्स ए कैप प्लस बी कैप ये भी कह रहा है कि यूनिट वेक्टर है, मीन्स इसका भी मैग्नीट्यूड क्या हो गया 1। इतना क्लियर? तो इनके डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा ये रूट 3 होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर ये होता है ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप का स्क्वायर, तो इसका यूज कीजिए। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप ये दिया हुआ है 1, तो 1 का स्क्वायर
वन हो गया, ये हमें फाइंड करना है। और यहां पे ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप वन हो जाएगा, तो वन का स्क्वायर वन, यहां भी वन का स्क्वायर वन। तो यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर फोर माइनस वन थ्री हो गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप ये हो जाएगा रूट थ्री प्लस माइनस। तो देखिए हम लेंथ ऑफ वेक्टर कह रहे हैं, मैग्नीट्यूड मीन्स लेंथ ऑफ वेक्टर, तो नेगेटिव नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो यही हमें प्रूफ करना था, क्लियर। टेंथ क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कहने का मतलब कि ये तीनों यूनिट वेक्टर तो है ही, मीन्स इनका मैग्नीट्यूड वन होगा। इतना क्लियर। और म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहने का मतलब कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इनका भी डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। इतना क्लियर। तो हमें प्रूफ करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू रूट थ्री। तो यहाँ पे अगर हम यूज करें मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस टू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस टू सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और ये तीनों यूनिट वेक्टर है, तो इनका मैग्नीट्यूड वन हो जाएगा। तो यहाँ वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, और ए डॉट बी ये जीरो है, तो टू इंटू जीरो जीरो। यहाँ भी बी डॉट सी जीरो है, तो ये जीरो बन जाएगा, सी डॉट ए जीरो है, तो ये भी जीरो बन जाएगा। इतना क्लियर। तो ये आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे आएगा थ्री, स्क्वायर इस साइड भेज दीजिए, तो रूट थ्री। लेंथ ऑफ वेक्टर निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड मीन्स लेंथ ऑफ वेक्टर, तो नेगेटिव नेग्लेक्ट कर दीजिए, यही हमें प्रूफ करना था। इलेवेंथ क्वेश्चन है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू 60, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू 40 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू 46, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो देखिए, वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर, ये होता है ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। और इसके हेल्प से मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकल जाएगा, ये दिया हुआ है 60, तो यहाँ आ जाएगा 60 का स्क्वायर, ये दिया हुआ है 40, तो 40 का स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है। और ये दिया हुआ है 46, तो 46 का स्क्वायर। इतना क्लियर। ये आ गया 3600, ये आ गया 1600, ये हमें फाइंड करना है 46 का स्क्वायर 2116। इतना क्लियर। तो ये आ गया 5200, यहाँ से ये बन गया ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, और 2116 इंटू 2 4232। इतना क्लियर। तो यहाँ से 5200 माइनस 4232 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, तो ये आ गया 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 3 6, 11 माइनस 2 9, 4 माइनस 4 0 अपॉन 2 इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 8 4, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ये आ जाएगा रूट ओवर 4 8 4, दैट इज प्लस माइनस 22। लेंथ निकाल रहे हैं, तो नेगेटिव नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो 22 यूनिट्स, ये आंसर आ गया, क्लियर। 12th क्वेश्चन है, सो दैट द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो वेक्टर दिया हुआ है ये इक्वली इंक्लाइंड होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस, मींस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो अगर हम इंक्लिनेशन मान ले एक्स एक्सिस पे अल्फा, वाई एक्सिस पे बीटा और जेड एक्सिस पे गामा रिस्पेक्टिवली। इतना क्लियर। तो देखिए, विथ एक्स एक्सिस, विथ वाई एक्सिस और विथ जेड एक्सिस एंगल क्या बनेगा? एंगल हम कैसे निकालते हैं दो वेक्टर के बीच में? तो
कॉस थीटा इक्वल्स टू, अगर एक वेक्टर ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इसके हेल्प से हम एंगल निकालते हैं, तो देखिए यहाँ ए वेक्टर ये बन जाएगा आई प्लस जे प्लस के, और बी वेक्टर एक्स एक्सिस पे ये मिल जाएगा आई कैप। तो यहाँ पे एंगल हमने माना है अल्फा, तो कॉस अल्फा ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो आई डॉट आई वन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ओवर वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर मीन्स रूट थ्री। तो इतने के प्लेस पे आ जाएगा रूट थ्री, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर रूट वन का स्क्वायर वन। तो यहां से अल्फा हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स वन अपॉन रूट थ्री। नाउ वाई एक्सिस पे ए वैक्टर ये मिल जाएगा आई प्लस जे प्लस के, ये गिवेन है, और बी वैक्टर ये बनेगा जे कैप। नाउ एंगल हमने माना है वाई एक्सिस पे बीटा, तो कॉस बीटा ये आ जाएगा ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर मीन जे डॉट जे वन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर रूट थ्री, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर तो रूट वन का स्क्वायर वन। तो यहां से बीटा इसको भी हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स वन अपॉन रूट थ्री। नाउ विद जेड एक्सिस ए वेक्टर आई प्लस जे प्लस के, और बी वेक्टर ये बनेगा के कैप। तो यहां एंगल हमने माना है गामा, तो कॉस गामा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के डॉट के वन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर रूट थ्री, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर रूट वन का स्क्वायर वन। तो गामा भी यहां से लिख सकते हैं कॉस इनवर्स वन अपॉन रूट थ्री। तो एक्स एक्सिस से कॉस इनवर्स वन अपॉन रूट थ्री, वाई एक्सिस से कॉस इनवर्स वन अपॉन रूट थ्री, जेड एक्सिस से कॉस इनवर्स वन अपॉन रूट थ्री मीन्स इक्वली इंक्लाइंड है आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, और यही हमें प्रूव करना था। 13th क्वेश्चन है, यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर दिया हुआ है, जिसे हमें प्रूफ करना है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है। तो देखिए यूनिट वेक्टर भी प्रूफ करना है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर ये भी प्रूफ करना है। तो यूनिट वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड वन होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर निकाले पहले, तो ये यहां से आ जाएगा वन अपॉन सेवन बाहर रूट ओवर टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर, या गया वन अपॉन सेवन रूट फोर प्लस नाइन थर्टीन प्लस थर्टी सिक्स फोर्टी नाइन रूट फोर्टी नाइन। तो ये आ गया सेवन अपॉन सेवन वन आ गया यूनिट वेक्टर है। और बी वेक्टर ये हम प्रूफ करते हैं, तो देखिए यहाँ आ जाएगा थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस सिक्स का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर वन अपॉन सेवन, यहाँ से ये मिल गया फोर प्लस थर्टी सिक्स फोर्टी प्लस नाइन फोर्टी नाइन रूट फोर्टी नाइन, तो अगेन सेवन अपॉन सेवन ये भी वन आ गया मीन्स ये भी यूनिट वेक्टर है। अब सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो ये आ गया वन अपॉन सेवन रूट ओवर सिक्स का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर, तो ये आ गया वन अपॉन सेवन थर्टी सिक्स प्लस फोर फोर्टी प्लस नाइन फोर्टी नाइन तो रूट फोर्टी नाइन, ये भी सेवन अपॉन सेवन वन आ गया। नेगेटिव हर जगह निगलेक्ट कर दीजिए क्योंकि लेंथ ऑफ वेक्टर निकाल रहे हैं। नाउ अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है या प्रूफ करना, तो देखिए इसके लिए ए डॉट बी जीरो होना चाहिए, बी डॉट सी ये जीरो होना चाहिए, सी डॉट ए ये जीरो होना चाहिए, तो इन तीनों ही डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट जीरो आना चाहिए। तो देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो वन अपॉन सेवन इंटू वन अपॉन सेवन वन अपॉन फोर्टी नाइन, और यहाँ से ये मिल जाएगा टू आई प्लस थ्री जे प्लस सिक्स के डॉट थ्री आई माइनस सिक्स जे प्लस टू के, ये आ गया वन अपॉन फोर्टी नाइन, यहाँ से ये मिल गया सिक्स देन माइनस एटीन देन ट्वेल्व। तो देखिए सिक्स माइनस एटीन माइनस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व जीरो अपॉन फोर्टी नाइन, ये जीरो आ गया। नाउ बी डॉट सी वन अपॉन सेवन इंटू वन अपॉन सेवन वन अपॉन फोर्टी नाइन, और यहाँ आ जाएगा थ्री आई माइनस सिक्स जे प्लस टू के डॉट सिक्स आई प्लस टू जे माइनस थ्री के, यह आ गया वन अपॉन फोर्टी नाइन, और यहाँ से मिल गया एटीन माइनस ट्वेल्व देन यहाँ से माइनस सिक्स, तो माइनस एटीन प्लस एटीन ये भी जीरो आ गया। नाउ यहाँ से वन अपॉन फोर्टीन सिक्स आई प्लस टू जे माइनस थ्री के डॉट
ये आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 6k, ये बन गया 1/49, 12 प्लस 6 माइनस 18, 18 माइनस 18 ये भी आ गया 0। तो देखिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी प्रूफ हो गया और यूनिट वेक्टर भी प्रूफ हो गया, मींस ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, ये प्रूफ हो गया, क्लियर। 14th क्वेश्चन है, फॉर एनी टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सो दैट इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू 0, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। देखिए ये गिवन कंडीशन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और ये दिया हुआ है इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये बन जाएगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, तो यहाँ से ये मिल गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ पे आई होप ये पूरे 14 तक क्लियर हो क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 और उसके आगे क्वेश्चंस को देखेंगे, और अगर स्टिल कोई डिफिकल्टीज रह गई हो तो उसको आप क्लियर कर सकते हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए।